नूरे जहां और नूरे मोहब्बत दोनों जुड़े तुझसे पिया पागल जा जोगी मुझको कहो हाँ मेरा इश्क सबसे जुदा तेरी ही खातिर सौ जन्म में चाहे हो जो भी भला ना मैं हूँ आशिक ना मैं दीवाना कह दो मुझे जो पिया तेरा मेरा है प्यार अमर तू चाहे Today we are recreating Zamdas look. Hello friends, Assalamu Alaikum. This is Mishi and welcome back to my new YouTube video. जी हाँ friends, तो कैसे हैं आप सब लोग? बहुत time बाद में video upload कर रही हूँ. आज की YouTube video में बहुत ही special recreation हम लोग करने वाले हैं. दुर्गा फिशर की recreation, पर ये recreation इश्क मुश्किल की नहीं है. एक new drama शुरू हुआ है Jio TV पर खई के नाम से, जो बहुत ज़्यादा अच्छा drama है. थोड़ा इस ड्रामे में रिवेंज का सीन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो बस उसी में एक लड़की है जमदा जो है मेन कैरेक्टर, उसी के लुक आज हम रिक्रिएट करेंगे. तो स्टे ट्यून्ड. फर्स्ट ऑफ ऑल हमें अपने फेस को प्रेप करने के लिए, फेस को हाइड्रेटेड बनाने के लिए लगाएंगे हम मॉइस्चराइजर, ताकि हमारा फेस हमारा एकदम हाइड्रेटेड लगे. क्योंकि वहाँ की जो गर्ल्स होती हैं वो ज़्यादा मेकअप तो अप्लाई करती नहीं है, उनका फेस वैसे नेचुरली अच्छा होता है क्योंकि वहाँ का माहौल इतना अच्छा है, फ्रेश है, हर चीज़ एकदम खालिस होती है, पानी बहुत अच्छा होता है. तो बस वहाँ का माहौल की तो बात ही अलग है. तो बस उनकी तरह थोड़ा सा बनने की कोशिश करेंगे, क्योंकि यहाँ कराची में इंडस्ट्रियल एरिया है, यहाँ पे आपका पॉल्यूशन बहुत है, आपके स्किन की मतलब बहुत ही बुरी हालत हो जाती है. तो उसके बाद हम अप्लाई करेंगे फेस पे. यहाँ मैं अप्लाई कर रही हूँ मिस रोज़ का सल्फ फाउंडेशन. ये बहुत ज़्यादा ड्यू है, आपके फेस को एकदम ग्लो अप कर देता है, आपके फेस को इंस्टेंट शाइन. अपने बैक ऑफ द हैंड पे इसको लेके अच्छे से अपने फिंगर से अप्लाई करके उसके बाद अपने हैंड्स पे भी आप उसको ब्लेंड कर सकते हैं. ये वॉट एवर यू वॉन्ट ब्रश ब्यूटी ब्लेंडर, मैं अपने ही फिंगर टिप से इसको ब्लेंड करना पसंद करती हूँ क्योंकि फिंगर टिप्स हमारी वॉर्म होती है. उसके बाद नहीं, यहाँ पे मैंने ब्रश से ब्लेंड किया. ओके, मैं भूल गई थी, ब्रश से भी बहुत अच्छा ब्लेंड हो जाता है. ब्रश भी थोड़ा सा आप स्प्रे कर लें ताकि आपका ब्रश एकदम ड्राई ड्राई ना हो और ज़्यादा सारा प्रोडक्ट वो पी ना जाए. तो उसको हल्का सा वेट करके और ज़्यादा वेट करके पूरा गीला हो जाए, हल्का सा स्प्रे करके और उसको अपने जो भी आपका प्रोडक्ट लगा के फेस पे उसको अच्छे से आप ब्लेंड करेंगे तो आपका बहुत ही अच्छा एक ग्लोई फिनिश देगा. आप देख सकते हैं कि मेरा फाउंडेशन कितने अच्छे से ब्लेंड हो गया है. उसके बाद मैंने अपने हैंड के फिंगर टिप से भी इसको सेट करा था और उसके बाद हम फेस पे अप्लाई करेंगे ब्लश. ये ब्लश मैंने मंगवाया था दराज से. ये ब्लश बहुत ज़्यादा खूबसूरत और ड्यू है. इस ब्लश का नाम है हुजे ब्यूटी करके कुछ नाम है, इसका शेड है 4 और ये 4 शेड्स में अवेलेबल है. मैंने मंगवाया था ये 4 शेड. ये थोड़ा सा पिंकी पिंकी है, मुझे पिंक पिंक थोड़ा ज़्यादा कलर पसंद है. तो आप देख सकते हैं मैंने थोड़ा सा लगाया, ये पिगमेंटेड इतना है. अब इसको हल्का सा लगा के टिप ब्लेंड करेंगे. ये है क्रीम ब्लश, थोड़ा ड्यूई है और ये इतना आपका पूरा दिन स्टे करेगा. आप इसको लगा लें, हल्का से ब्लेंड कर लें और ये पूरा दिन आपका स्टे करेगा. बाय द वे, आई गॉट न्यू मोबाइल, उसी मोबाइल से मैं ये शूटिंग कर रही थी तो थोड़ी क्वालिटी आपको डिफरेंट लगेगी पुराने वाले मोबाइल से, क्योंकि वो थोड़ा पुराना था और ये थोड़ा नया है. तो आपको अब न्यू क्वालिटी कंटेंट मिलेगा, तो वेट करिए उस सबका और अच्छी अच्छी वीडियोस मैं आगे अपलोड करने वाली हूँ. अब लिप्स पे आप चाहें तो पिंक रेड ऑरेंज जो भी कलर आप लोग को पसंद है लगाना आप वो लगा लें आराम से. मैंने यहाँ पे पहले टिंट अप्लाई किया है और उसके बाद मैं अप्लाई कर लूँगी यहाँ पे मैट लिपस्टिक. ये थोड़ी मैजेंटा और पिंक के स्टोन में है, बहुत ही खूबसूरत लॉन्ग लास्टिंग लिपस्टिक है. मैंने ली थी ये थोड़ी लोकल लिपस्टिक है, 200 की मैंने ली थी है और ये इतने क्वांटिटीज़ की अच्छी है, पिगमेंटेड है. मैं इसको ब्लश के तौर पर भी लगा लेती हूँ और लिप्स पर तो मैं हमेशा ही लगा के जाती हूँ उसको. और वो जो मैं आपको ब्लश दिखाया मैं बस वो ब्लश लगाती हूँ, सनस्क्रीन लगाती हूँ और ये वाली लिप्स लगा के एंड आई एम गुड टू गो. अब मैं आपको यहाँ जो मेन पार्ट है जमदा के लुक का वो है लाइनर, क्योंकि जमदा की आँखें थोड़ी ड्रामेटिक बनाई हुई हैं. इस ड्रामे में थोड़ी अंडर आई पर ज़्यादा काजल लगाया हुआ है और पहले लेंगे हम लोग जेल. ये है मेरे पास जेल लाइनर, उसको लेके हम अच्छे से अपनी अंडर आई पे अप्लाई कर लेंगे ब्रश से. बहुत ज़्यादा फैले नहीं, ऐसे अप्लाई करिएगा कि बहुत ज़्यादा स्मच ना हो. स्मच आपको बाद में भी करना चाहें तो आप कर सकते हैं. मैंने यहाँ पे बस ऐसे ही एक्जैक्टली अप्लाई कर लिया है और उसको मैंने स्मच नहीं किया, क्योंकि जब मैं स्मच करती हूँ तो बहुत ज़्यादा फैल जाता है मेरी आँखों में और मुझे पसंद नहीं आता. तो बस मैं हल्का हल्का अप्लाई करके वो वैसे ही चादर ओढ़ ली है. जी फ्रेंड्स, यहाँ पे मेरा लुक कंप्लीट होता है. उम्मीद है कि आप सब लोग को थोड़ी रिक्रिएशन वाला ये वाला लुक पसंद आया होगा. पर एक बात मैं आप लोगों से यहाँ पर कहना चाहती हूँ, कुछ लोग होते हैं जजिंग जो कहते हैं कि नहीं बहुत फ़र्क है, आप वैसी नहीं लग रही हैं, तो प्लीज़ थोड़ा तो गौर करिए. हमने कोई प्लास्टिक सर्जरी नहीं करवाई, ये मेकअप है, जस्ट मेकअप, जस्ट लव अफेक्शन टुवर्ड्स हर. थोड़ा सा एक दूसरे को समझने की कोशिश करें. हम लोग बिल्कुल प्लास्टिक सर्जरी करवा के उनकी शक्ल नहीं लगवा रहते हैं चेहरे पर,
उनके साथ थोड़ा मेकअप रिक्रिएशन कर रहे हैं। ऑब्वियसली सी बात है, उनका चेहरा अलग है, हमारा चेहरा अलग है, तो हम उनकी तरह कैसे बन सकते हैं? पर हम थोड़ा सा उनकी तरह मेकअप करके थोड़ा सा लुक हमारा लग सकता है, थोड़ी सी ज्वेलरी पहन के। अभी आप देखें, मैंने आप जो चादर ओढ़ी है, तो इससे कितना मेरा लुक लग रहा है कि हाँ, वो कोई भी देखेगा तो बोलेगा हाँ भाई, जमदा का लुक किया है। दिस इज़ कॉल्ड रिक्रिएशन। सो बस उम्मीद है कि आप सब लोग को पसंद आया होगा। लोग अगर आप लोग को पसंद आया तो प्लीज़ टेक अ मोमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर न्यू अमेजिंग वीडियोस एंड व्लॉग्स। अभी ईद आने वाली है, तो ईद की शॉपिंग व्लॉग्स मैं अपलोड करूँगी जल्दी जल्दी। जी हाँ फ्रेंड्स, सो इफ़ यू लाइक माय वीडियो, प्लीज़ शेयर माय वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। मिलते हैं हम नेक्स्ट अच्छे सी वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, मौसम इन्जॉय करें। मौसम कराची का आजकल बहुत ही प्यारा हुआ हुआ है, आराम से इन्जॉय करें, घूमें फिरें, शॉपिंग करें, खाएँ पिए, हेल्दी रहें। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।